हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी तिवारी ब्लॉगर। आप सभी का अपने चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो गाइस, जस्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आ गई हूँ पार्क में घूमने। आप देख सकते हो मुझे गुड फील हो रहा था, हमने सोचा चलो आज चलते हैं पार्क में, थोड़ा घूम कर आते हैं और माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम घर से बाहर निकले हैं। वैसे मुझे यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था सच में। इसको देखकर मुझे बचपन की यादें आ गई। हम लोग पहले क्या था ना, अभी ये कागज़ के मिलने लगे हैं बनकर ऐसे, हम लोग बचपन में आम की पत्ती का बनाते थे फाड़ कर। आम की पत्ती होती ना, तो उसका हम लोग बनाकर खेलते थे, बहुत मज़ा आता था सच में। बचपन जो होता है ना, सच में गाइस बहुत अच्छा होता है। और ये जो फिरंगी थी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इसके बाद ये देखो, हम आ गए पार्क के अंदर। ये है वाटरिंग पॉइंट। यहाँ पर जब फुहारा स्टार्ट होता है ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखो, काफ़ी बड़ा सा था। यहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिए आते हैं, जॉगिंग करने के लिए आते हैं, जिम के लिए आते हैं। यहाँ पर जिम भी बना हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखो, कई लोग यहाँ पे पिक भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल फ्लैग है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो, चलो आपको दिखाते हैं। ये देखो, नेशनल फ्लैग देख रहे हो? सच में अपने देश का तिरंगा झंडा देखने के बाद अंदर से गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है। सच में हमारी कंट्री जो है ना, बिलीव मी, सच में गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और देशों से ज़्यादा अच्छी है। सच में मुझे जो है ना, मेरा देश बहुत पसंद है, सच बात है, मेरा भारत महान। तो चलिए, हम आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या क्या शेयर किया। और हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और हाँ, प्रणो का गिफ्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, जो बर्थडे पर मिला है। इनकी नानी, मामी, मौसी सभी ने क्या दिया है। तो चलो, हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सच में यार, घूमते टहलते काफ़ी ज़्यादा थकान फील हो रही थी, तो हमने सोचा चलो अब कुछ खा लेते हैं, बारी आती है थोड़ा सा नाश्ता करने की, क्योंकि अब थक गए हैं ना, तो अंदर से हिम्मत नहीं है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में आप देख सकते हो, मेरा मन था बिरयानी खाने का, तो हमने जो है बिरयानी ऑर्डर किया है। साथ में मेरी मौसी जी हैं, बट उन्हें थोड़ा सा कैमरा फोकस करने में थोड़ा अच्छा नहीं फील हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा वीडियो मत बनाओ। इस वजह से हम उनको नहीं लाए, कैमरे में नहीं दिखा पाए, सो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, उनकी पिक मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप देख सकते हो, हम लोगों ने जो है नाश्ता कर लिया, होटल कुछ इस तरीके से था, तो आप लोग भी देख लीजिए और बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके, पसंद आया कि नहीं। वैसे मुझे ये वाला होटल ना बहुत अच्छा लगा सच में। यहाँ पे क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ की जो चेयर थी, टेबल था, मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को पसंद आया कि नहीं बताना ज़रूर, भूलना मत कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और कुछ डेकोरेशन इस टाइप से हुआ था थोड़ा सा अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया था, तो हमें अच्छा लगा, तो हमने कहा चलो आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर कर देती हूँ और आप लोग भी देख लीजिए। तो चलिए, आप लोग देखिए, थोड़ी देर बाद हम आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है? गाइस, चलिए अब अपनी मौसी की मैं पिक लगा देती हूँ यहाँ पे आप लोग। तो ये लो, मिल लो मेरी मासी से, जो कि बहुत ही क्यूट और स्वीट भी हैं।
तो ये देखो थोड़ा सा हमने बर्थडे का ब्लॉग फिर से शेयर कर दिया। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। तो गाइस साइड में जो है मेरी दीदी की पिक लगी हुई है, आप देख सकते हो प्रनु है, और इस साइड मेरे भाई का लड़का है और उस साइड प्रनु है। तो बताना ज़रूर पसंद आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो बारी आती है अब गिफ्ट की, तो चलिए हम आपको गिफ्ट जो है ओपन करके दिखा देते हैं। वैसे मेरे प्रनु जो है ना सारा गिफ्ट पहले से ही सब ओपन करके रख दिए थे, तो इसमें तो कुछ ओपन करना नहीं है क्योंकि पहले से ही सब चीज़ें इसकी जो पॉलीथीन वगैरह लगी हुई थी इन्होंने सब फाड़ कर रख दिया था। तो चलो बारी बारी से गिफ्ट दिखा देती हूँ क्या मिला था, किसने क्या दिया था। तो पहला गिफ्ट है इनकी नानी की तरफ से हेलीकॉप्टर, और इन्होंने जो बर्थडे में कपड़े पहने हुए थे वो भी इनकी नानी ने दिया था। तो दूसरा टॉयस था इनकी मौसी ने दिया था, ये भी टॉयस इनकी मौसी ने दिया है। ये जो खिलौने हैं ये भी इनकी मौसी ने दिया है, और ये इनकी मामी ने दिया है, ये इनकी जो है नानी दी हैं, और ये बीच वाली नानी दी हैं। तो सारे गिफ्ट कैसे लगे, और यहाँ करने पर वाली थोड़ी सी प्रणु की देखो कॉमेडी भी आप लोग देख ना, लीजिए। ना, ना मेरी बच्चिया। तो गाइस केक तो आप लोगों को इनवाइट किया नहीं था, सो सॉरी, आप लोग भी खा लीजिए। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आई होप पसंद ज़रूर आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, बाय माय डियर फ्रेंड्स।